हाँ ये आप सभी का स्वागत है देखे और सीखे दीटिंग चैनल में तो मैं आज सबके लिए लड्डू गोपाल के लिए एक लेके लिखे हुए पौचे या सॉल कह लें या सॉल के साथ ये कैप जुड़ी हुई है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर फोर ऊन ले लेंगे क्रोसिया नंबर बारह लेंगे यहाँ पे सबसे पहले गांठ लगाएंगे गांठ लगाने के बाद यहाँ पे हम फोर्टी थ्री चेन बनाएंगे फोर्टी थ्री चेन बना लेना है आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसी तरह से करते हुए फोर्टी थ्री चेन बनाएंगे हम यहाँ पे देखिए फोर्टी थ्री चेन बना के हमने कंप्लीट कर लिया तो यहाँ से स्कीप करेंगे वन टू चेन स्कीप करेंगे थर्ड चेन पे डालते हैं यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे अब हर चेन पे डालते हुए हम हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे तो इसी तरह से चलिए हाफ डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए पहली लाइन हमारी डबल क्रोशिया की कंप्लीट होती है यहाँ पे हम थ्री चेन ले लेंगे वन टू और ये थ्री इधर पलट जाएंगे अब देखिए क्रोशिया पे धागा लेंगे अब जो सेकंड वाली डबल से है इसके अंदर डालेंगे इस तरह से और यहाँ से लेते हुए हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे यानी हर चेन पर डालते हुए अब यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे हम ऊपर तरफ से डबल क्रोसिया डालना है इस तरह से क्रोसिया पे लेंगे और यहाँ से ऐसे डालना है चेन पे नहीं डालना है देखिए डबल क्रोसिया यानी हाफ डबल क्रोसिया जो हमने बनाई थी यहाँ से हमें अब डबल क्रोशिया बनाना है तो इस तरह से करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे तो चलिए ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आगे आपको तो देखिए हमारी ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे थ्री चेन लेंगे थ्री चेन लेने के बाद जो हमारी पहली चेन है इसी में डाल के हम डबल क्रोशिया कर लेंगे लेकिन इस चेन को हम काउंट नहीं करेंगे इस तरह से हम बना लेंगे अब हर चेन के डालते हुए ऊपर में हम डबल क्रोशिया कर लेते हैं चेन में बनाना है ऊपर में इस तरह से करते हुए लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसकी अगली लाइन में फिर से हम यही डिज़ाइन डालेंगे जो हमने अंदर की ओर से डाला हुआ था इसके बाद वाली लाइन में ये डबल क्रोशिया कर रहे हैं इसके बाद वाली लाइन में फिर हम इस तरह से करेंगे इसके अंदर डालते हुए इस तरह से करना है हमें डबल क्रोशिया तो चौथी लाइन में हम इसी तरह से करेंगे तो और पाँचवीं लाइन में फिर से इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे तो चलिए राउंड कंप्लीट कर लेते पूरा बना के फिर आगे किस तरह से दिखाते हैं कि इसमें कैप किस तरह से बनाना है पूरा कंप्लीट करती हूँ मैं पहले तो देखिए इसी तरह से करते हुए मैंने ये पट्टी कंप्लीट कर ली है तो कितनी लाइनें इसकी बनाई है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन सेवन प्रो हमने कंप्लीट की हुई है ये ऊपर रखेंगे हम जो ये धारियाँ दिख रही है ये ऊपर भाग रहेगा और जो प्लेन भाग है इसे हम पीछे रखेंगे तो देखिए किस तरह से बनाना है हमें यहाँ से हम फिफ्टीन डबल क्रोशिया छोड़ देंगे देखिए यहाँ से काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन डबल क्रोशिया छोड़ देंगे हम सिक्सटीन पे हम यहाँ पे इस तरह से क्रोसिया डालेंगे पहले गांठ लगा लें एक सिक्सटीन पर क्रोसिया डाला हमने यहाँ से इसे खींचते हुए इधर लाएंगे ये जो धागा एक बार इधर कर लेंगे ताकि ये गांठ पक्का हो जाए खुले ना ऊपर जाके हम इसे काटेंगे तो ये ठीक लगेगा सामने काटेंगे तो अच्छा नहीं लगता ये ये दो हो गया और ये तीन अब इस धागे को हम यहाँ पर हम काट देंगे जो छोटा सा धागा है उसे काट लेना है आपको तो वन चेन वन डबल क्रोसिया काउंट करेंगे हम सेकंड वाले पे डालेंगे यानी टू डबल क्रोसिया हो गया थर्ड चेन पे डालेंगे थ्री डबल क्रोसिया करेंगे फोर्थ चेन पे डालेंगे फोर डबल क्रोसिया करेंगे फिफ्थ चेन पे डालेंगे फाइव डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे सिक्स डबल क्रोशिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नेक्स्ट में डालेंगे सेवन डबल क्रोशिया नेक्स्ट में डालेंगे एट डबल क्रोशिया नाइन डबल क्रोशिया टेन डबल क्रोशिया और ये अलेवन डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने एलेवन डबल क्रोसिया कर लिया है और यहाँ पे देखिए कितनी हमारी बच गई है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन फिफ्टीन हमारे पास इधर भी है और फिफ्टीन इधर भी है टोटल बीच में हमारे एलेवेंथ ग्यारह एलेवन डबल क्रोसिया है अब देखिए इसे फिर से एलेवन को हम यहाँ से कम बनाना शुरू करेंगे वन टू थ्री चेन लेंगे इधर पे जाएंगे और हर चेन पे डालते हुए वन वन डबल क्रोसिया करेंगे वन चेन वन डबल क्रोसिया ये टू हो गया ये थ्री डबल क्रोसिया फोर डबल क्रोसिया फाइव डबल क्रोसिया सिक्स डबल क्रोसिया सेवन डबल क्रोसिया एट डबल क्रोसिया नाइन डबल क्रोसिया टेन डबल क्रोसिया और ये 11 डबल क्रोशे चेन भी बना लेंगे टोटल हमारे पास 11 डबल क्रोशिया थे तो 11 कर लिए हमने तो ये हमने दो राउंड किया है एक राउंड और करेंगे हम तो यहाँ वन टू थ्री चेन ले लेंगे इधर पलटेंगे सभी डबल क्रोशिया के ऊपर वन वन डबल क्रोशिया करते हुए हम धागे को लास्ट में काट लेंगे या काटा नहीं है या तो फिर आप क्रोशिया से ही सिल सकती हैं या फिर आप इसे सुई से भी सिल सकती हैं इस तरह से लेंगे हम सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे यानी इसकी थ्री लाइन कंप्लीट करनी है हमें वन वन करते हुए देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ पे डालेंगे टेन डबल क्रोसिया हो गए ये और लास्ट में डालेंगे यहाँ पे। एलेवन डबल क्रोसे हो गया ये इस तरह से ये हमारा सीधा भाग है और ये उल्टा भाग है तो देखिए इस तरह से हम इसे सिलेंगे तो ऐसे ये सीधा भाग आ जाएगा तो हमें इस तरह से सिलना है उल्टा करते हुए तो चलिए हम सुई की मदद से सिल लेते हैं ऐसे सिलेंगे ये हमारा सीधा भाग है और ये उल्टा तो इस तरह से रखेंगे उल्टे भाग से ऐसे रख लेना है आपको और बराबर करते हुए हम इसे सिलाई कर लेंगे पे डालेंगे इस तरह से यहाँ पे दो बार लगाएंगे क्योंकि हमने लास्ट में यहाँ पे हमने गांठ नहीं लगाया हुआ इसलिए अब यहां से हर चेन पे बराबर करते हैं हम इसकी सिलाई कर लेंगे अब यहाँ से डालते हुए आगे ले आएंगे हम और यहाँ के हम गांठ लगा देंगे आगे जाके अब यहाँ पे हम काट लेंगे धागे को अब इस तरह से इसे सीधा करना है हमें देखिए सीधा कर लिया हमने कुछ इस तरह से सॉल आएगी अब चलिए आउटलाइन इसकी बना लेते हैं तो आउटलाइन कोई भी कलर से बना सकती है तो मेरे पास ये पिंक कलर है इससे मैं बना लेती हूँ इसकी आउटलाइन यहाँ से इस तरह से गांठ लगाएंगे अब देखिए यहाँ पे साइड में डिजाइन डालेंगे तो सबसे लास्ट वाले चेन पे यहाँ पे डालेंगे हम इस तरह से पहले गांठ लगा लिया एक दो और ये चेन जो हमने बनाए गांठ लगाई है तीन हो गए इसी जगह पे डालेंगे डबल क्रोशिया करेंगे या तो फिर आप हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं या तो फिर पॉप जो पॉपकॉर्न डिज़ाइन होती है उसे भी आप डाल सकते हैं तो इस तरह से मैंने थ्री डबल क्रोशिया कर लिया इसे स्कीप करेंगे वन टू और थर्ड चैन पर डालेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे फिर से यहाँ पर डालेंगे वन टू थ्री फिर से इसी जगह पर डालेंगे और फिर से हम थ्री डबल क्रोशिया करेंगे वन डबल क्रोसिया टू डबल क्रोसिया और वन चेन हमने बनाया हुआ था फिर से देखिए वन टू और ये थर्ड वाली चेन पे डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से फिर से लेंगे वन टू और ये थ्री चेन फिर इसी जगह पे डालेंगे वन डबल क्रोसिया करेंगे फिर टू डबल क्रोसिया करेंगे टोटल हमारे पास थ्री डबल क्रोसे हो जाएंगे चेन को भी हमें काउंट करना है फिर यहाँ से टू डबल क्रोसे स्कीप कर देंगे ये वन टू और ये थर्ड में डालते हुए हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे चलिए ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको तो यहाँ पे देखिए हमारी ये लड्डू गोपाल की ब्लैंकेट बन के तैयार हो गई है यानी छोटा सा कंबल या चादर जो भी कह लें आप इसे तो इस तरह से यह कैप भी है आप लड्डू गोपाल के इस तरह से पहना सकती हैं इस तरह से इसे पहना दें और यहाँ पे एक बटन लगा दें ऐसे करके देखिए इस तरह पहनाने के बाद यहाँ पे एक बटन लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा यहाँ पे कैप भी हो गई और आपका सॉल का सॉल भी हो गया ये और देखने में भी खूबसूरत लग रही है देखिए कितनी खूबसूरत कितनी प्यारी से लग रही है आप चाहे तो स्टोन से भी इसे डेकोरेट कर सकती हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ थैंक यू